खबर मध्य प्रदेश के सिरोंद से है, जहां सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार दशहरे के दूसरे दिन झांकियों की शोभा यात्रा निकाली जाती है। दूर दूर से लोग दशहरा और झांकियों का आनंद लेने के लिए सिरोंद जाते हैं। दशहरे के अवसर पर नगर के विभिन्न संगठनों और सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर झांकियों की भव्य शोभा यात्रा निकाली, जो शहर के मुख्य बाजार, कोर्ट गेट और अन्य मुख्य स्थानों से गुजरी। इस शोभा यात्रा में भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान, दुर्गा माता और भगवान गणेश की झांकी आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। इसके अलावा रामायण और महाभारत के पात्रों की झांकियां भी शामिल रहीं। शोभा यात्रा में शहर विधायक उमाकांत शर्मा, जिला प्रशासन के अधिकारी और स्थानीय नेता शामिल हुए। शोभा यात्रा के आयोजकों ने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से हमें शहर के लोगों को एकजुट करना है और समाज में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। सिरोंज से अक्षय कुमार अहिरवार की रिपोर्ट।